أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ونصدق ونقر أن سيدنا ومدبوعنا وإمامنا ومهدينا ومولانا السيد محمد المهدي الموعود خليفة الله قد جاء ومضى ونسلم على آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم سورة بقرة آية نمبر 208 حاضرين محترم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایک بڑے مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے اور ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف اعلیٰ بنایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انسانوں ہی کو یہ بتلاتے اور جتلاتے ہیں کہ یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کی جگہ، یہاں پر انسان کو صرف اور صرف عمل کرنا ہے اور عمل کا نتیجہ آخرت میں بتلایا جائے گا۔ تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ بحیثیت انسان اور مومن ہونے کے ناطے ہمارا ہر کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مقصد کے تحت ہو، ہماری ہر بات اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہو،
हमारा हर अमल अल्लाह ताला के गजब को ठंडा करके उसकी रहमत, शफ़क़त और मग़फ़िरत का मुजीब बन जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है अल्लाह की रहमत, मग़फ़िरत और शफ़क़त हासिल करने के लिए इंसान को सबसे ज़्यादा जिस बात की ज़रूरत है वो है अमल, बल्कि अमल से भी ज़्यादा अहम तरीन चीज़ वो अमल जो मोहब्बत के साथ किया जाता है, इश्क के साथ किया जाता है, बेलौसी के साथ किया जाता है। तो आदमी जब अगर ये समझ ले कि जो भी अमल करे उससे अल्लाह ताला राजी हो, खुश हो और उसका बेहतर सिला वो आखिरत में पाए, तो उसे जरूरी है कि सबसे ज्यादा उस दस्तूर हयात की तरफ रुजू करे जिसे उर्फ आम में कुरान मजीद कहा जाता है। महदी माऊद बरहक अलैहिस्सलात व तस्लीम ने जिसे इश्क नामे इलाही कहा है, उस कुरान की तरफ अगर रुजू करेंगे तो मोमिन को अंदाजा हो जाएगा कि यह दुनिया दारुल अमल है, यहां पर अमल करना है और अमल भी सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के साथ करना है, शौक के साथ करना है, खौफ के साथ करना है। तो उसके बाद उस इंसान की सारी जिंदगी अल्लाह ताला की रजा में, अल्लाह ताला की खुशनुदी में गुजरती है। मैंने आपके सामने सूरह बकरा की आयत नंबर 208 की तिलावत का शरफ हासिल किया, जिसमें अल्लाह ताला तमाम इंसानों से नहीं बल्कि इंसानों में भी जो तबका सबसे अशरफ और आला है, अक्लो शऊर को काम में लाकर ईमान की दौलत से माला माल होता है, उस तबके को, उस ग्रोह को मुखातिब करके अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, तुम इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। किससे मुतालबा हो रहा है? अहले कुरान से, अहले ईमान से, अहले इस्लाम से मुतालबा हो रहा है, बल्कि हुक्म दिया जा रहा है, अल अमरु लिल उजूब, हुक्म देना वाजिबियत को, फर्जियत को साबित करता है। उदखुलू, तुम दाखिल हो जाओ, फिस्सिल्म काफा, इस्लाम में पूरे तौर पर, वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान की पैरवी तो बहुत बड़ी बात है, शैतान के नक्शे कदम की पैरवी भी मत करो, इन्नहु लकुम अदुवुम मुबीन, वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ईमान वालों से दो चीजों का, एक चीज का हुक्म दे रहे हैं, एक चीज की ताकीद कर रहे हैं, यानी इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाना फर्ज है, अधूरा नहीं, ऊपरी दिल से नहीं, थोड़ी चीजें कर ली और बहुत सारी चीजों से सरकशी अख्तियार की, ऐसा नहीं। तमाम के तमाम अहकाम को कबूल करने का जब इकरार करते हो, वह खबील तो जमिया अहकाम ही, अल्लाह के तमाम अहकाम को कबूल करने का एतराफ करते हो, ईखान और ईमान जाहिर करते हो, तो उसके साथ साथ इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाना। तो अल्लाह सुबहानहु ताला सबसे पहली बात ये बता रहे हैं, जिस बात की तलखीन कर रहे हैं, जो बात मोमिन बंदों पर फर्ज है, वो ये है कि तुम मोमिन इनकम्प्लीट नहीं, मुकम्मल, कंप्लीटली मोमिन बन जाओ,
इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, इस बात की तलखीन की जा रही। और दूसरी बात की जो ताकीद की जा रही है, वला तत्तबिउ, यह भी हुक्म है कि तुम शैतान के नक्शे कदम की पैरवी हरगिज हरगिज नहीं करना। एक बात की तलखीन और दूसरी बात की ताकीद। अगर आदमी एक मोमिन बंदा इस आयत शरीफा को समझ ले तो उसकी जिंदगी वाकई ऐसी होगी कि यह दुनिया को दारुल अमल समझेगा। यहां पर अमल करेगा तो मोहब्बत के साथ करेगा, चाहत के साथ करेगा, अल्लाह की खुशनूदी उसके पेश नजर होगी, हर हर बात में वो अल्लाह के रजामंदी का तलबगार बन जाएगा। तो इस इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो कदीम तरीन भी है, मुकम्मल तरीन भी है। इसमें वो सारी बातों को बयान कर दिया गया है जो इंसान को पेश आती हैं, आती रही हैं या आ सकती हैं। कयामत तक जितनी बातें पेश आ सकती हैं, डिफरेंट कंट्रीज, मुख्तलिफ मुमालिक, मुख्तलिफ तहजीबें, मुख्तलिफ रंग और नस्ल, मुख्तलिफ मानने वाले, मुख्तलिफ खानदान वाले, हसब नसब वाले, लेकिन इस्लाम का जाबते हयात ऐसा है कि सबके लिए यकसा, एक जैसा। तो इस्लाम कदीम तरीन मजहब है और अल्लाह सुभान व तआला बता रहे हैं कि इस्लाम में तुम मुकम्मल दाखिल हो जाओ। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान वालों के लिए कुछ खवानीन है, अलग खवानीन है, और वेस्टर्न कंट्रीज वालों के लिए अलग खवानीन है। यह आफाकी मजहब है और इसमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इसमें तुम पूरे पूरे तौर पर दाखिल और शामिल हो जाओ। तो अब इससे यह बात मालूम होती है कि हमारा हर अमल, हमारा हर काम, हर बात इस्लाम के सांचे में होना चाहिए। इस्लाम क्या कहता है, एक मोमिन बंदे को इस्लाम किन बातों की हिदायत देता है और किन बातों से मना करता है, रुकने की ताकीद करता है। इस आयत शरीफा में इजमाली तौर पर अल्लाह ताला सिक्के के दोनों रुख को बतला दिए हैं। ईमान वालों, तुम इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम की भी पैरवी नहीं करना। और आपको मालूम होना चाहिए कि नक्शे कदम को आसानी के साथ नहीं देखा जाता है, बड़ी मुश्किल से टटोलना पड़ता है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जहां पर शुभा होता है, जहां पर शक होता है कि यह शैतान का नक्शे कदम है, उस शक से भी बचो। जो चीज अलानिया होती है उससे तो बचना ही चाहिए। तो नक्शे कदम, नक्श इमेज, प्रिंट ऐसी चीज होती है जिसे टटोलना पड़ता है, कुरेदना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो उससे बचने का अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं, ताकीद की जा रही है। तो मालूम यह हुआ कि हाल और माहौल, हमारी जिंदगी, जिंदगी के सारे उमूर वेट रखने वाले हैं, वजन रखने वाले हैं। आदमी अगर अच्छा काम करता है तो वो भी अल्लाह ताला के पास वजन रखने वाले हैं, अगर आदमी बुरा काम करता है तो वो भी वजन रखने वाले हैं। कुरान पाक में, कुरान पाक की बलागत और एजाज ये है कि अल्लाह ताला मोमिन की जजा के साथ साथ काफिर की सजा को भी बयान करते हैं। नेक अमल की जजा के साथ साथ बुरे अमल की सजा को भी बता देते हैं। फमई यामल मिसखाल जर्रतिन खैरन यरा के साथ साथ वमई यामल मिसखाल जर्रतिन शर्रन यरा को भी बयान करते हैं। तो ये अल्लाह ताला इसलिए करते हैं कि इंसान जिम्मेदार है, इंसान एक मोमिन बंदा जवाबदेह है। एक बड़े मकसद के तहत, एक खास मकसद के तहत अल्लाह ताला ने यह दुनिया बनाई है, इस दुनिया की पैदाइश हुई है। तो एक बड़े मकसद के तहत इंसान को भी अल्लाह ताला ने जो पैदा किया है तो उसका एक बहुत बड़ा मकसद है, और मकसद यह है कि इंसान अपने रब को पहचाने, अपने रब की मारिफत हासिल करे, और मारिफत हासिल करने के लिए उसे पूरे पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाना पड़ता है, इस्लामी तरीके को इख्तियार करना पड़ता है। हाजरीन मोहतरम, अब आप देख लीजिए, मैं बड़े खास मौजू पर आज खिताब करने की सआदत हासिल कर रहा हूं। आज
हमारी तहजीब का जनाजा हम अपने ही हाथों से उठा रहे हैं। इस्लामी तहजीब को हम अपने हाथों से कुचल रहे हैं, गला घोंट रहे हैं, और दुनिया में स्टेटस के नाम पर हम उन तहजीबों की अलगार में पूरी तरह बह जा रहे हैं जो इंसान को शैतान के नक्शे कदम नहीं बल्कि शैतान की पैरवी पर लगा दिया है। आज 28 दिसंबर है, गुज़िश्ता साल भी मैंने यह खिताब करने की सआदत हासिल किया। हर घर इल्ला चंद घरों के इस यलगार से महफूज नहीं है। उसकी वजह यह है कि सबसे छोटा दज्जाल टीवी घरों में आ गया है, बरसों से आ गया है, और आप हम जायजा ले सकते हैं बल्कि हम रियलाइज कर सकते हैं कि आज से 25 साल पहले 30 साल पहले की तर्ज जिंदगी, हमारे आपसी रहन सहन की जिंदगी यकसर बदल गई है। खुराफात बिदात ये बातें बहुत ही सानवी दर्जा इख्तियार कर ली हैं, मामूली हो गई हैं, बल्कि हराम चीजें फैशन बन गई है। घरों में वो सारी बातें हो रही हैं जिसे इस्लाम रोकता है। एक मोमिन के घर में वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और नए साल को लोग समझते हैं कि आ रहा है, अब न्यू ईयर, अभी से पुलिस एक्टिव हो गई, यही नहीं बल्कि दुनिया तमाम में इंतजाम किए जाते हैं अमन और जब्त के। अब आप देख लीजिए कि जहां पर शराब शबाब कबाब होता है वहां पर कभी अमन हो ही नहीं सकता। जहां पर जिस तहजीब में सबसे बड़ी ईद यह होती है, उनके पास जिनके पास खुराफात जिनका मजहब होता है, जिनके पास नाच गाना उनकी तहजीब का एक बड़ा हिस्सा होता है, वहां पर अमन नाम की चीज नहीं होती। उन्हीं का देखा देखिए, आज से 25-30 साल पहले बताइए कि चंद गिने चुने सर फिरे मस्त नौजवान जाते थे टैंक बैंड पर, वहां पर जाते थे, न्यू ईयर का होता था। लेकिन हमारी आबादियों में भी आजकल होने लगा है, पकवाने कर रहे हैं, खाए जा रहे हैं, नामी गिरामी घराने के बड़े आंखें बंद करे हुए हैं और टीवी स्क्रीन के सामने हैं, तो उनके नौनिहाल उनके मुस्तकबिल के ताजदार कहां पर हैं, अय्याशी कर रहे हैं। तो अब आप बताइए कि अल्लाह सुबहानहु ताला किस बात की तलखीन कर रहे हैं कि ए ईमान वालों तुम इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। तो आज के बड़े कह रहे हैं कि ए मेरे लाडले तू पूरे तौर पर इस्लाम से बेनियाज हो जा, तू इस्लाम के दायरे से बाहर चले जा, तू वो सारे काम कर जो आज की दुनिया में पौश कहलाने के लायक होते। कितनी खुराफात कितनी बिदतें हो गई है। सालगिरह, गिराह के माने आते हैं घाटी के, घाट एक घाटी। अब यूं समझ लीजिए छोटी सी बात कि अब एक इंसान की एक जिंदगी, जैसा कि एक मौके पर हुजूर अकरम नबी मुकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहब किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दरमियान तशरीफ फरमा थे, आपने अपने असहाब किराम के सामने जमीन पर अपनी उंगली मुबारक के जरिए एक लकीर खींची, लंबी लकीर खींची, और उसके बाद उस लकीर के दाएं बाएं छोटी छोटी लकीरें खींची, उसके बाद उस बड़ी लकीर के दरमियान में एक ऐसी आड़ी लकीर खींची, लंबी सी आड़ी लकीर, लंबी लकीर के मुकाबले में आड़ी लकीर खींची, और उसके आगे भी दाएं बाएं छोटी छोटी लकीरें खींची। उसके बाद साहब किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को आपने इरशाद फरमाया कि देखो भाइयों, ये इंसान की जिंदगी है
और जिंदगी के ये आरजुए हैं, ये अरमाने हैं, ये ख्वाहिशात हैं, इंसान की एक ख्वाहिश पूरी नहीं होती, दूसरी ख्वाहिश जन्म लेती है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, फिर भी कम निकले। उस बात की तशरीह करते हुए अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि आदमी की ख्वाहिश पे ख्वाहिश, ख्वाहिश पे ख्वाहिश होती है। ऐसी कई लकीरें खींची, लेकिन लंबी लकीर के दरमियान में जो आड़ी लकीर खींची, अल्लाह के रसूल इरशाद आते हैं, ये आखिरी ये लकीर जो है, ये आड़ी जो लकीर है, ये इंसान की डेडलाइन है, यहां पर उसकी मौत हो जाती है, लेकिन अरमानों और ख्वाहिशों की अंबार उसे रहती है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि घाट, अब अगर यूं समझ लीजिए कि किसी की उम्र 70 साल हो रही है, तो उसकी लकीर, उसकी डोरी में एक घाट पड़ गई, फिर दूसरी घाट पड़ गई, 70 घाट पड़ जाएगी। आदमी कितने घाट खोलेगा? मोहलत ही अगर ना मिले तो कितने घाट खोलेगा? हैप्पी कहते हैं, हैप्पी किसे कहते हैं? यह देखना है कि कुरान किसे क्या कहता है, खुशी कौन सी बात पर होनी चाहिए, मोमिन किस बात पर खुश होता है और किस बात पर रंजिदा होता है। इसके लिए एक हदीस शरीफ आपके सामने रखता चलूं तो अंदाजा होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक मोमिन की पहचान देते हैं, मोमिन किसे कहा जाता है? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स को छोटी सी नेकी करने पर दिली सुकून और इत्मीनान और मसर्रत हासिल होती है, और एक बुराई हो जाती है तो पशेमान होता है, रंजीदा होता है, गमजदा होता है, तो समझ लो वही मोमिन है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमा रहे, एक छोटी सी नेकी करने पर उसे खलबी इत्मीनान होता है। तो आज ये समझ रहे हैं कि खुराफात मुख्तलिफ तहजीबों का देखा देखी, अब आप देख लीजिए आज माशरे में रंग ढंग लिबास वजा खता सब कैसी हो गई है। गनीमत है फिर भी आज भी औरत के लिए मुनासिब लिबास हैदराबाद में मिल रहा है। हैदराबाद से अगर हटकर आप देखेंगे तो आपको औरत के लिए लिबास नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? जींस मिलेगा, जर्किन मिलेगी, और मुख्तलिफ किस्म की, जहां पर आस्तीन नाम की चीज नहीं होती। यही बेहयाई की वजह से आज दुनिया तमाम में रेप जैसी हराम चीज कसरत के साथ हो रही है। पार्लियामेंट दहल जा रहा है, लोग पुकार रहे हैं, और वो शराबी कबाबी लीडर्स एहतजाज कर रहे हैं जो ऐसी हराम कार्यों में मुलविस रहते हैं, और जो ब्रोकर्स होते हैं वही पुकार रहे हैं। तो इसका बुनियादी सबब क्या है कि इस्लामी तालीमात को बहसियत मोमिन, मोमिन भी फरामोश कर दिया है, उसके खिलाफ जिंदगी बसर कर रहा है। तो आज देख लीजिए आप, तहजीबों का जो यलगार हो गया है, इस्लामी असल तहजीब हट गई है, वेस्टर्न कल्चर को इतना तेजी के साथ अपनाया जा रहा है। घरों में खुशी का मौका हो, हत्ता के गम के मौके पर भी घर में अपने अजीज तरीन की लाश रखी हुई है और बेहतरीन कपड़ों की तैयारी की जा रही है। मुख्तलिफ किस्म की खुराफात क्यों? उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तानी सीरियल्स में वही बताया जा रहा है, पिक्चरों में वही बताया जा रहा है। गम नाम की चीज नहीं है। आदमी जब अपने चहीते को खोता है तो उसके सबसे पहली चीज खाने पीने की सुध नहीं रहती। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब हजरत हमजा की शहादत होती है तो घर वाले गमजदा रहते हैं, तो घर से भाती भी जाते हैं। उसका अमल मुर्शिदीन के पास खरीब खरीब तक कायम था। तो ये सारी चीजें, ये खुराफात इस वजह से हो रही है कि आदमी इस्लामी तालीमात को नजरअंदाज कर दिया। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबते हयात है, इसमें बता दिया गया है कि खुशी का मौका कौन सा है, किस बात पर आदमी को खुश होना चाहिए। आदमी नेकी करता है तो खुद ब खुद उसका दिल इत्मीनान में आ जाता है, जमीर उसे सताइश दिलाता है, और जब बदतरीन से बदतरीन इंसान, बुरे से बुरा इंसान
छोटी भी गलती करता है तो उसका जमीर खचोके मारता है, बोलता है कि तू गलत काम किया, अगरचे कि वो नजरअंदाज करके झटक कर निकल जाए लेकिन जमीर बराबर मलामत करता है। तो आज मुआशरे में इतनी बुराइयां रच बस गई हैं, जैसा कि क़यामत की निशानियों में से यह भी निशानी बयान की गई है कि क़यामत के करीब में सुन्नत बिदत हो जाएगी और बिदत सुन्नत हो जाएगी। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई है। आज हकीकत ये देखना है। अब बड़े अफसोस की बात है, दो दिन पहले अखबार में एक शख्सियत बड़े नेक काम समझकर मस्जिद की कमेटियों के सुदूर और अइमा से खुतबा से ये मुतालबा कर रहे हैं कि 31 अक्टूबर को नाच गाने खुराफात से मुस्लिम तबके को, नौजवान बच्चों को बचाने के लिए मसाजिद में जिक्र की, नमाजों की महाफिल सजाई जाए। बिदतों की कमी नहीं थी, एक नई बिदत को ईजाद कर रहे हैं। अब हर साल 31 दिसंबर को मसाजिद में लोग आएंगे। अरे दायरों की तरफ रुख कीजिए, बुजुर्गान दीन के अमल की तरफ रुख कीजिए, वो देखिए क्या करते हैं, उनका अमल क्या था। अब लोग ये समझे कि ये तो बड़ा भला काम है, नेक काम है, अच्छा काम है, 31 दिसंबर को मस्जिद में जमा हो। तो अब आप बताइए कि आदमी क्या 30 दिसंबर को मस्जिद में नहीं आना चाहिए? ख़ियामुल लैल की अहमियत नहीं है? इंसान ये देखना है कि कौन सा दिन आखिरी है, कौन सा दिन पहला, कब ये न्यू ईयर की बात थी। अब तो अफसोस की बात यह है कि हिजरी नए साल पर भी लोग मैसेजेस कर रहे हैं और बड़े शान से कह रहे हैं कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक का जमाना है, बड़े शान से कह रहे हैं कि इसे शेयर कीजिए और दूसरों को फॉरवर्ड, फॉरवर्ड फ्रॉम ऑल, ऑल को टू ऑल, दूसरों को भी कीजिए, नेकी समझ रहे हैं। चलिए फुला अब मुख्तलिफ सेलफोन कंपनीज क्या किए कि मैसेज का एक पैकेज दे दिए, चलो तुम 32 रुपए का, 62 रुपए का, 63 रुपए का कर लो, अनलिमिटेड मैसेजेस फ्री। वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए कर रहे हैं, अब यहां पर से ऑल टू फॉरवर्ड कर रहे हैं। बताइए कि हिजरी साल पर किसने मुबारकबादी थी, हमारे बुजुर्गान दीन का अमल क्या था। हजरत बंदगी में शाह नेमत में खराज बिदत रजी अल्लाह ताला अन्हु जब नया साल देखते तो अपने दायरे में ऐलान करते कि भाइयों आपस में गले मिलो, अगर कुछ बौज है दिलों में, मैल कुछ चल है तो वो दूर हो जाएगा। आज नए साल की, अब आप बताइए कि इंसान कितना खुराफात में आ रहा है। मुख्तलिफ तहजीबें यलगार कर दी हैं, लोग अब गेट टुगेदर के लिए कुछ भी नहीं रहा, तो चलिए बर्थडे, एनिवर्सरी, ये मुख्तलिफ नामों पर, और साथ में साथ वो सारी चीजें कर रहे हैं जो यहूदो नसारा करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम यहूदो नसारा की, उनके रस्म रीत की पैरवी कतई तौर पर ना करो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुआ मिनहुम, जो कोई किसी कौम से मुशाबहत इख्तियार कर लेगा रंग रूप में, उनके उठने बैठने में, तर्ज जिंदगी में, लिबास में, वजाखता में, आमाल में, अकीदे में, तो वो उन्हीं में शुमार हो जाएगा। अब आज देख लीजिए कि नामी ग्रामी घराने के हैं, बर्थडे कैप पहनकर फोटो फॉरवर्ड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसे शेयर करो। कितनी बुरी बात हो रही है। एनिवर्सरी, शादी के 25 साल हो गए, सिल्वर जुबली, क्या पहले के बुजुर्गान दीन के पास 25 साल नहीं हुए थे? क्या चार चार बीवियां नहीं थी, 15-15 औलाद नहीं थे? 15 के 15 पूरे औलाद ऐसे थे कि अपने अपने वक्त के खुतुब थे, दुनिया का नशा उतार दिया था लोगों से, अल्लाह का मस्ताना बना दिया था, उनकी गुरोह में होते हैं, उनकी नस्ल में होते हैं। तो आज कुफार की, यहूद और नसारा की पैरवी करते हैं, ऐसा करते हैं तो बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। ये दारुल अमल है, यहीं पर अमल करना है, उसके बाद जाएंगे तो वहां पर मुश्किल होगी। अब जैसा कि मैंने कहा कि किसी साहब ने एक नई बिदत को राइज करने की अपील कर दी,
पता नहीं आज कौन कौन से खतीब साहब उस सुर में सुर मिलाकर कह रहे हैं कि भाइयों 31 दिसंबर को मस्जिदों को आबाद कीजिए। अब मस्जिदें आबाद होंगी तो फिर वही जमात के साथ नमाज सलातु तस्बीह और नमाज तहज्जुद वगैरह अला लेलान पढ़ के बताएंगे कि हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं। अल्लाह ऐसी इबादतों के लिए नहीं है दिखावे की, जो इबादत नमाज जो जमात के साथ नमाज हो ही नहीं सकती उस नमाज को इख्तियार करने से अल्लाह ताला दोहरे अजाब में डाल देते हैं ऐसी खुराफात में। तो आज लोग ये समझते हैं कि चलो थोड़ा कर लें, कम से कम हैप्पी बर्थडे नहीं तो उसके नाम पर नजरुल्ला कर लेते हैं, टाइटल चेंज कर दिया, उनवान बदल दिया, काम वही हो रहा, नजरुल्लाह के नाम पे हो रहा है। अब उसके बाद क्या करते हैं, चलो भाई केक ना काटे, केक काटना ईसाइयों यहूदियों अहले किताब का अमल है, आसान रख देंगे, मिठाई मंगाकर आसान रख देंगे। अब आप बताइए कि कौन सी मुश्किल आसान हुई जो आसान रख रहे हैं। अब आप मौजू से थोड़ा हटकर है लेकिन मैं बताने की सआदत हासिल करूंगा कि खुशी कौन से मौके पर होती है, आदमी गमजदा कैसा होता है, अव्वलीन मोमिनीन का तर्ज जिंदगी कैसा था, उनका मिजाज कैसा था। रमजान मुबारक इबादतों का महीना, बरकतों का महीना, रहमतों का महीना। हर मोमिन बंदा नॉर्मली उसमें ज्यादा इबादतें करता है, थोड़ा बढ़ के करता है, रोजे भी रखता है, जिस्मानी माली रूहानी अखलाकी सारी इबादतें करता है, इबादतें करता है। उसके बाद अल्लाह ताला इबादतों के बाद रखते हैं ईद का दिन, खुशियों का दिन, सेलिब्रेट करो आपस में, खुशी मनाओ। ईद का दिन रखा है अल्लाह ताला ने, मोमिन बंदों के लिए है, इस्लाम में है, जायज है, मनाना है, मनाते हैं, मना रहे हैं, सब मना रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने से करीबी जमाना है, ईद की खुशियां मनाई जा रही है, सब खुशियों में हैं, लेकिन एक झोपड़ी से रोने की आवाज आ रही है। लोग देखते हैं कि यह झोपड़ी में रहने वाला ऐसा प्यारा नबी का प्यारा सहाबी है, इतना करीबी आदमी है, उससे इतने अहादीस मरवी हैं, लोग उसे अबू हुरैरा कहते हैं, उसके असली नाम को दुनिया फरामोश कर दी, अबू हुरैरा छोटी बिल्ली वाले, वो झोपड़ी में रोता है। तो लोग आते हैं करीब आकर सवाल करते हैं कि ए अबू हुरैरा आज तो खुशियों का दिन है, सेलिब्रेट करने का दिन है, बाहर निकल कर देखो लोग कितनी खुशियां मना रहे हैं, आप भी आइए, आपको कौन सा गम है, आप क्यों रो रहे हैं। तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि भाइयों मुझे नहीं मालूम कि मेरी इबादतें कबूल हुई है या नहीं, मुझे नहीं मालूम कि मेरा अमल सालिहीन के अमल के मुताबिक रहा या नहीं। कौन है बताइए, ये कहने वाला कौन है? अल्लाह के रसूल का सहाबी, अगरचे के इस्लाम में यह बात बताई गई है कि खतई जन्नतियों को बता दिया गया कि खतई जन्नती ये हजरात हैं, जिन्हें जीते जी दुनिया में बता दिया गया कि तुम जन्नत के हकदार हो, लेकिन एक सच्चे आशिक का यह अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिस किसी ने अपनी आंख से देखा, ईमान लाया एक लहजे के लिए, एक लम्हे के लिए, तो फिर उसके लिए दोजख हराम है और जन्नत वाजिब है। यह हम महदवियों का अकीदा है कि हर सहाबी रसूल खतई जन्नती है, खतई जन्नती है। अब वैसे खतई जन्नती रो रहे हैं कि मेरा अमल पता नहीं कैसा है। आदमी को यह देखना है, यह दारुल अमल है और दारुल अमल में आदमी को कैसा काम करना है। मैं आखिरी जमाने में आज खुराफात मुख्तलिफ तहजीबें हम पे ऐसे यलगार कर दी हैं, बड़ी आसानी के साथ गिरफ्त में ले ली है, पंजा ऐसा सख्ती के साथ कस दिया है कि तहजीब से बाहर निकलने की कोई जुर्रत करने की सोच भी नहीं रहा है।
मेहदी माऊद बरहक अलैहिस्सलात व तस्लीम की तशरीफ आवरी क्यों हुई? हकीकत मकसूद दीन इस्लाम के इजहार के लिए और रस्म आदत और बिदत को मेटने के लिए। अब आप देख लीजिए, जिस हस्ती मुकद्दस का मैंने जिक्र किया हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, लातेदात अहादीस शरीफा आपसे मरवी है। अल्लाह के रसूल के इतने चहीते और प्यारे साहबी हैं कि एक मरतबा हुर्रतुन कहते हैं बिल्ली को, हुरैरतुन कहते हैं बिल्ली के छोटे बच्चे को, तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, गालिबन उनका असली नाम अब्दुर्रहमान था। अब्दुर्रहमान का नाम तारीख से मखसूस गोशे में रह गया, लेकिन सारी उम्मत आपको अबू हुरैरा के नाम से जानती है। तो हिर्रतुन बिल्ली के छोटे बच्चे को कहते हैं। तो एक मरतबा जब आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए तो अपने आस्तीन में बिल्ली के छोटे बच्चे को रख लिया था। बिल्ली के बच्चे बड़े पसंद थे आपको, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यह अदा पसंद आई तो आपने कहा कि या अबा हुरैरा, ए छोटे बिल्ली वाले। तो अल्लाह के रसूल के जुबान अकदस से जिस सहाबी को यह लकब मिला, यह कुन्नियत मिली, तो यकीनन ये क़यामत तक के लिए मकबूल हो जाएगी। तो वो हस्ती से एक हदीस शरीफ मरवी है जो मुस्लिम शरीफ में है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि यकूनु फी आखिरिज ज़मान दज्जालूना कज़्ज़ाबूना यातूनकुम मिनल अहादीस बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फइयाकुम व इयाहुम ला युज़िल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आखिरी जमाने में ऐसे झूठे दज्जाल होंगे जो अहादीस बयान करेंगे जो तुमने कभी न सुनी होगी और न तुम्हारे बाप दादा कभी सुने होंगे, लिहाजा तुम उनसे बचो और खुद को उनसे बचाओ ताकि तुम भी गुमराह ना हो और फितने में न पड़ जाओ। तो आज जैसा कि मैंने अर्ज किया कि 31 दिसंबर को मसाजिद को आबाद करने की बात कर रहे हैं, जबकि ख़यामुल लैल रात में जागना, रात में इबादत करना, रात की तारीकी में अंधेरे में किसी को जाहिर ना हो, ये अफजलियत वाली बात है। और दायरे का ये निज़ाम था, फ़ुक़रा तो बहरहाल दिन में भी जिक्र में रहते थे और रात में भी एक पहर बैठते थे, और जो कासिब दिन में कसब करते थे उन पर लाजिम था कि एक पहर नौबत बैठे, डेली, हफ्तावारी नहीं बल्कि डेली, रोज एक पहर 3 घंटे के जिक्र में बैठे। तो वो सारी चीज़ें छूट गई उस वजह से। तो आज हमें ये देखना है कि ऐसी खुराफा से बचे। आसान के नाम पर अगर मिठाई रखते हैं तो ये बहुत ही अफसोस की बात है, बल्कि बच्चे को बताए कि तुम आज 11 साल के हो गए, आज 12 साल के हो गए, अब तुम पर नमाज फ़र्ज हो गई, अब तक हमने तुम्हें तंबीह किया, अब तुम बालिग हो गए, रिस्पॉन्सिबल हो, लिहाजा तुम नमाज की पाबंदी करें, जमात के साथ पाबंदी करें, अखलाक के हसना को इख्तियार करें। देखो तुम उस तरफ जा रहे हो जहां पर इंसान आबाद होता है, यहां आबादियां उजड़ती हैं और वहां की आबादियां बसती हैं, यानी ये दुनिया उजड़ने के लिए है और कब्रस्तान आबाद होने के लिए, तुम उधर जा रहे हो। कुरान ये कहता है, मोमिन ही को बताता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह। ऐ ईमान वालो अल्लाह से तुम डरो, तख्वा इख्तियार करो और तुम पूरे तौर पर जायजा और हिसाब लेते रहो कि कल के दिन तुम क्या पेश करोगे अल्लाह के पास। अल्लाह से डरो और अल्लाह ताला तुम जो कुछ करते हो उससे बाखबर है। तो अब इस एतबार से ये खुराफात वाली दिन जब आ रहे हैं तो हमें अपने हर शख्स अगर अपने अपने कुंबे को, अपने अपने घर वालों को बचाए, ये नहीं कि भाई अगर बच्चा बाहर जा रहा है तो उसे रोके और घर में बैठो टीवी पर देख ले,
ऐसा नहीं, बल्कि मैं तो अर्ज ये करूंगा कि नमाज इशा बा जमात पढ़ ले और उसके बाद घर में सो जाए और नमाज फजर से कबल उठने की तैयारी कर ले। अल्लाह को सौंप दे कि तू खबीर है, खबरदार है, तुझे नींद नहीं आती, तेरी जात ऐसी है, लिहाजा हम जब नींद में सो गए हैं, नींद मुर्दगी में है, तो हमें नमाज फजर के लिए बेदार कर दे। तो इस तरह आदमी को यह देखना है। और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि हर शख्स जिम्मेदार है, सूरह नूर की आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि उस दिन को याद करो, वो दिन को याद करो जबकि तुम्हारे मुकाबले में तुम्हारी जुबानें और तुम्हारे हाथ पांव तुम्हारे आमाल की गवाही देंगे। सूरह नूर आयत नंबर 24। तो उस दिन की तैयारी करना है। और हम ऐसा नहीं कि भाई खाली हिदायत करना, नेकी की बात कहना, ये मुर्शिद का काम है, दूसरों का नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि हर शख्स कुल्लुकुम राइन, हर शख्स जिम्मेदार है। इसीलिए हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस शरीफ मरवी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिर बियदिही, तुम में से जो कोई किसी मुनकर बात को, नापसंदीदा बात को, इस्लाम ने जिस बात से मना किया है, उस बात को, उस काम को देख रहा है, तो हाथ पकड़कर रोक दे। फइल्लम यस्तती, अगर हाथ पकड़ने की इस्तात नहीं है तो फबिलिसानी, जुबान से कह दो कम अज कम कि भाई ये बात गलत है, ये काम गलत है, ये अमल गलत है, तुम ये जो काम कर रहे हो गलत है। फइल्लम यस्तती, अगर ये कहने की भी हिम्मत नहीं है तो फबी खल्बी, तो अपने दिल में इसे बुरा कह लो। लेकिन अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि वज़ालिका अज़अफुल ईमान, ये ईमान की सबसे कमतर निशानी है, दिल में बुरा जानना। तो हम अपने आप का जायजा ले, अपने मुआशरे का जायजा ले, अपने कुंबे का जायजा ले, खानदान का, बच्चों का, उनकी एक्टिविटीज का। ये नहीं कि खाली सालगिरह या नए साल की बात मैं कर रहा हूं, बल्कि जैसा कि आयत शरीफा भी है कि ए ईमान वालो तुम पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ, तो इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल होने के लिए ज़रूरी है कि आदमी शैतान के नक्शे कदम की पैरवी से भी बचता रहे और अल्लाह वालों का क्या तर्ज ज़िंदगी था, उनका तरीक़ा कैसा था, उनका सलीका कैसा था, उनके ज़िंदगी के तौर तरीक़े कैसे थे, उसे देखते जाए, उसे अपनाते जाए और उसी के मुताबिक अपने आप को ढाले, अपने घर वालों को ढाले, तभी हम नजात पा सकते हैं। क़ुरान के आखिरी में अल्लाह ताला जो आयत शरीफा मैंने आपके सामने सुनाई थी खिताब के शुरू में, सूरह बकरा की आयत नंबर 208, उसमें अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि وَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, बे शक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। खुला दुश्मन खुला ज़रूर है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। आदमी अगर तख्वे में ज़्यादा मजबूत होगा, उसका ईमान मजबूत होगा, तो शैतान भी समझ में आ जाएगा, शैतानी हरबे भी समझ में आ जाएंगे। शैतान कितनी बड़ी चीज़ है, मैं एक वाक़िया आपके सामने रखता चलूं जो आम इंसानों को नज़र नहीं आता। अल्लाह के रसूल के खलीफे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा काबतुल्ला शरीफ में बैठे हुए हैं, अपने माजी की ज़िंदगी पर गौर व फ़िक्र कर रहे हैं और रो रहे हैं अल्लाह के डर से कि मैंने जो बुरे इस्लाम कबूल करने से कबल जो काम किए हैं, जो मेरी तर्ज जिंदगी थी, वो मुझे हलाक कर देगी। ए रब्बे कायनात तू मुझे बख्श दे, तू मुझे माफ कर दे, ए रब्बे काबा, वास्ते दे रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, जारो खतार रो रहे हैं। उसी दौरान काबतुल्लाह के दामन में ही काबे के पिछवाड़े से आवाज आती है कि उमर हम तुम्हें बख्श दिए हैं, लिहाजा तुम उठो जाओ, आज से हम तुम्हारी नमाज को भी माफ कर दिया है।
اب یہ عمر فاروق تھے، فرق کرنے والے تھے حق اور باطل میں، حق اور باطل کو جدا کرنے والے تھے، وہ بھی ایک مار دو پھاڑ کے ذریعے۔ وہ ہستی اس غیبی ندا کو، اس آواز کو پہچان لی اور فوراً کہا کہ اے ملعون، تو یہاں بھی آ گیا، کعبے کے بھی دامن میں آ گیا اور مجھے بٹکا رہا ہے۔ جب اللہ کے رسول پر نماز معاف نہیں ہوئی، وہ رات رات بھر پڑھتے ہیں، اپنے پیروں کو سجا لیتے ہیں، تو میں تو ان کا دنا غلام ہوں، میری نماز کیسے معاف ہو جائے گی؟ تو شیطان ایسے آیا، بھٹکایا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں 21 برس تھا، اور اس کے بعد کہا کہ حضرت، میں آپ جیسا اعلی اور آپ جیسا عبادت گزار بندہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ 21 برس تک تھا، روپ دھار کر تھا۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ملعون، نکل، تو مجھے 21 برس دھوکہ نہیں دے سکا، تو اب جاتے جاتے دھوکہ دے رہا ہے، مجھے خود پسندی میں مبتلا کر رہا ہے، مجھے میری عبادت پر ناز کرنے پر مجبور کر رہا ہے، ملعون تو نکل جا۔ تو یہ بزرگان دین کا عمل تھا، ان کی پرکھ تھی، ان کی پہچان تھی۔ آدمی کا جتنا باطن پاک ہوگا، جتنا وہ متقی اور پرہیزگار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہوتا ہے، خود بخود اسے برائیوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے گھر والوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ سے اس کے فضل کے طلبگار بننا چاہیے، ہر کام کو کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ اگر کوئی کام نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے تیش میں ہو گیا ہے، جذبات کی روح میں ہو گیا ہے، تو پھر اس عمل کے نتیجے سے باخبر ہو کر چوکن نہ ہونا چاہیے، اس کی سزا کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اس کے نتیجے کو ملحوظ رکھتے ہوئے، ہمیں اس برے کام سے پناہ مانگتے ہوئے اللہ سے مغفرت کا طلبگار بننا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اس طرز زندگی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جو خاتمین علیہ السلام کی تھی، جو سیدین کی تھی، جو عشق الہی والی تھی، محبت والی تھی، تیری معرفت والی تھی، تیری رضامندی والی تھی۔ اس زندگی کو، اس طرز زندگی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ان سارے کاموں سے، باتوں سے جو مشرکین کے ہے، اہل کتاب کے ہے، یا پھر منکران مہدی کے ہے، ان ساری باتوں سے، کاموں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہمیں اخلاص کا پیکر بنا دے، ہمارے ہر عمل کو محبت والا بنا دے، ہمارے ہر ایمان کو اور عقیدے کو محبت والا بنا دے۔ ہمارا جذبہ صرف یہی ہو کہ ہم اس دار العمل میں با محبت عمل کرتے رہے، تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی ہم سرخ روح ہو جائے، رسوائی سے بچ جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔